नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि STET के रिगार्डिंग अखबारों में क्या छपा है, इंटरनेट पर क्या चल रहा है और ट्विटर पे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ साथियों कि 7 नवंबर को पेपर था, पर बहुत सारे स्टूडेंट का जो एफर्ट था, मेहनत बर्बाद हुआ। अभी कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि पेपर 1 महीना में होगा, 2 महीना में होगा, कब हुआ कुछ नहीं पता। बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी करके बैठे थे, उनका मेहनत बर्बाद हुआ है और जितना एग्ज़ाम आगे जाता जाएगा, ये और मेहनत बर्बाद होने का चांस बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको रिकॉल करना आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं साथियों कि इंटरनेट पर क्या चल रहा है। इंटरनेट पर तो चल रहा है भाई कि कई वेबसाइट्स ने लिख दिया कि एडमिट कार्ड आउट हो गया। जैसे कि ये देखिए, freshers.live.com है, और भी कई वेबसाइट ने लिख दिया, पर ये सब गलत न्यूज़ है। ये सब पे अखबार में क्या निकला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अखबार में देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि जो बोर्ड सीट STET का पेपर ले रहा है, वही बोर्ड मैट्रिक और इंटर वगैरह के पेपर करवाता है। तो इसमें नए पैटर्न से होगी, मैट्रिक का मॉडल प्रश्न पत्र जारी है और इंटरनेट का जो डमी एडमिट कार्ड है इंटर का, वो भी जारी कर दिया गया है। तो बोर्ड सारे काम कर रहा है, बस वो STET पर कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। दूसरा, एक साथियों, आप एक और काम कर सकते हैं कि ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है वो बड़ा ही इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है। तो ट्विटर पे जाके, जैसे कि अभी आपके सामने ट्विटर खुला हुआ है मेरा, और इस पे आप जा करके एक हैशटैग हम लोग चला सकते हैं, जो हैशटैग कॉमन होना चाहिए, सभी का हैशटैग कॉमन होना चाहिए। तो हैशटैग आप लोग ये वाला रखिए, STET 2019, जो अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। ये हैशटैग के साथ आप लोग आगे ट्वीट कर सकते हैं, जितने अधिक ट्वीट करेंगे, और ट्वीट करना किसको, ट्वीट या तो आप कर सकते हैं नेता प्रतिपक्ष को, आप यहाँ देख रहे हैं यादव, तेजस्वी यादव, इनका ट्विटर हैंडल है तेजस्वी यादव, तेजस्वी, इनको कर सकते हैं, CM को कर सकते हैं, यहाँ पर आ गया, बिहार के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं कृष्ण नंदन वर्मा, उनका कोई ट्विटर हैंडल नहीं है। और आप लोग इस तरह से जितने अधिक ट्वीट करेंगे जो मिनिस्टर्स हैं या नेता प्रतिपक्ष को, हो सकता है आपकी बात उतनी अधिक सुनी जाए। साथ में अगर कुछ अखबार वालों को भी अगर आप टैग कर दें तो वो भी इफेक्टिव रहेगा। तो बाकी साथियों, जो भी ऑफिशियल अपडेट होगा हम लगातार इस चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। STET पर लगातार नज़र बनी हुई है हमारी, तो